गाइज स्वागत है आपका टेक विद क्रिश की एक और नई वीडियो में। तो गाइज मैं काफ़ी दिनों से मोटो G34 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दी है, अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपकी जितनी भी क्वेरीज थी मोटो G34 को लेके, जैसे कि हम इसमें ऐप लॉक कैसे करें, गैलरी कैसे पता करें, कैसे यूज़ करनी है, तो उन सभी पे भी मैंने वीडियोज़ बना के अपने चैनल पे डाल दी है। अब दोस्तों काफ़ी लोग मुझे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई मोटो G34 फ़ोन तो ले लिया है बट यार 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है, 5G यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार इस पर वीडियो बनाओ 5G हम कैसे यूज़ करें। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने मोटो G34 में आसानी से 5G यूज़ कर सकते हैं। बट गाइज उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोटो G34 डिवाइस है। अब दोस्तों ऊपर अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं LTE आ रहा है, मतलब 4G चल रहा है, 5G नहीं आ रहा है। अब अपने फ़ोन में 5G चलाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका सिम है वो आपको यहाँ पे शो होगा, तो मैं यहाँ पे जियो पे क्लिक करूँगा। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में 5G चूज़ कर लेना है। तो ये 5G मैंने चूज़ कर लिया। अब दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं 5G लिखा हुआ आ गया और 5G हमारे फ़ोन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे दोस्तों आप अपने मोटो G34 में आसानी से 5G को यूज़ कर सकते हैं।